स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम भी, और इस पर जो टाइटल लिखी गई है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखियों का विश्व वितरण। ज्वालामुखी क्रिया जो हो रही है, जो वोल्केनो हैं उनका विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनोस। अब सवाल ये है कि थोड़ा सा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित कुछ आपसे मैं बात कर लूं। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी एक आकस्मिक अंतर्जात बल है, सडन इंडोजेनेटिक फोर्स। ज्वालामुखी क्या है? एक आकस्मिक अंतर्जात बल है, सडन इंडोजेनेटिक फोर्स, जो एक प्रकार का अंतर्जात बल है। सडन इंडोजेनेटिक फोर्स की विशेषता क्या है, अर्थात आकस्मिक अंतर्जात बल की विशेषता क्या है? तो ये एक ऐसे भूगर्भिक बल हैं जो पल भर सक्रिय रहकर भूगर्भ के साथ साथ भूसतह को बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर सकते हैं, ज्वालामुखी शब्द अंग्रेजी के शब्द वोल्केनो से लिया गया है, और यह शब्द जो वोल्केनो शब्द है वोल्कान से लिया गया है। वास्तव में भूमध्य सागर के अंदर टाइरियन द्वीप समूह है, जिस पर चार द्वीप हैं, एक लिपारी भी है और दूसरा एक महत्वपूर्ण द्वीप जो है वोल्कान है, और उस पर वोल्केनो नामक ज्वालामुखी है, वहीं से इस शब्द का प्रचलन हुआ। वास्तविकता तो ये है कि जो वोल्कान शब्द है उसका संबंध रोमन सभ्यता के धर्म से है। रोमन सभ्यता में गॉड ऑफ फायर को वल्कान कहा जाता है, तो वहां से शब्द लिया गया अर्थात अग्नि का देवता। तो इस आकस्मिक अंतर्जात बल के माध्यम से, इसके साथ साथ भूकंप भी आता है आकस्मिक अंतर्जात बल में, इन बलों के माध्यम से पृथ्वी अपनी उष्मा की अभिव्यक्ति करती है, एक्सप्रेशन करती है। एक तरह से कह दिया जाए कि एक कुकर है, कुकर में जो एक वाल्व होता है जिससे सिटी निकलती, उसी तरह से ये प्रेशर कुकर रूपी पृथ्वी के ये वाल्व है, जहां से समय समय पर अनावश्यक उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता रहता है। ज्वालामुखी को परिभाषित कैसे करेंगे? तो ऐसे तो सामान्य रूप से अगर हम बोल सकते हैं कि भू सतह पर एक ऐसा छिद्र जिससे गर्म तप्त मैग्मा के साथ साथ बड़ी मात्रा में विखंडित पदार्थ के साथ साथ गैसों का उत्सर्जन होता है, लेकिन अगर विशुद्ध रूप से हम परिभाषित इसको करते हैं तो यह कह सकते हैं कि ज्वालामुखी एक ऊपरी मुखी गमन करने वाला, भूगर्भ से ऊपरी मुखी गमन करने वाला मैग्मा का स्तंभ होता है, जिसके माध्यम से गर्म मैग्मा के साथ साथ विखंडित चट्टानों के टुकड़े, धूल राख, गैस तथा जलवाष्प इत्यादि का उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जित पदार्थ भू सतह पर जमा होकर अनेक प्रकार के स्थल रूपों को जन्म देते हैं। ज्वालामुखी की व्यवहारिक विशेषता के अंतर्गत लिया जाए, जो सामान्य रूप से माना जाता है, तो इसको माना जाता है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि अगर इसके अल्पकालिक प्रभाव को देखा जाए तो ये त्वरित रूप से विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हुआ करती है और वहां विनाशात्मक प्रभाव को छोड़ती है या छोड़ता है, लेकिन अगर इसके दीर्घकालिक प्रभावों को देखा जाए तो बहुत से स्थल रूपों को यह जन्म देता है, भूगर्भिक संरचना को परिवर्तित करता है, जो आने वाले समय में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जैसे लावा का पठार बना तो वो काली मृदा बन जाएगी, काली मृदा बन जाएगी तो कपास के साथ साथ अन्य कृषि के लिए उपयुक्त तो होती है। तो आज हम जो है इसी आकस्मिक अंतर्जात बल अर्थात ज्वालामुखी के विश्व वितरण पर बात करेंगे। अब ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में कि ये ज्वालामुखी क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, कौन कौन से कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं, तो आरंभिक काल से ज्वालामुखी क्रिया की उत्पत्ति के विषय में अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, परंतु 1960 के दशक में प्रतिपादित प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इसकी उत्पत्ति के कारकों की व्याख्या करने के साथ साथ इसके विश्व वितरण के प्रतिरूप को भी स्पष्ट करने में पूर्णतः सफल रहा है। वास्तविकता यह है कि जो इस सिद्धांत में एक्सप्लेन किया गया, किसमें प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में बताया गया कि ये जो भूसतह है, स्थल मंडल है या जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, विखंडित है, और यह विखंडित भूभाग जो काफी बड़े बड़े स्लैब के रूप में है, इनको प्लेट कहा गया। प्लेट शब्द का उपयोग जेटी विल्सन ने किया था, जो कनाडा के भूभौतिक शास्त्री थे, टूजो विल्सन के नाम से अधिकतर लोग जानते हैं, जेटी विल्सन साहब ने किया था। तो ये प्लेटें जो हैं, जो भूगर्भ में मैग्नेटिक भाग है अर्थात दुर्बलता मंडल जो भू सतह के ठीक नीचे स्थित है, उस पर तैर रही हैं। तैरने का मौलिक कारक ये है कि वहाँ असीमित मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं और वह अपने प्रकृति के अनुसार अत्यधिक ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं और वह ऊष्मा समवाहनी तरंगों के रूप में चारों तरफ फैल रही है, बाहर की तरफ उत्सर्जित होने का प्रयास करती है। समवाहनी तरंगे बाहर की ओर फैल रही हैं और बाहर उत्सर्जित होने का प्रयास करती हैं, लेकिन भूपटल के निचले भाग से अवरोधित होकर या टकरा कर अपने ऊष्मा का लाश भी करती हैं और सीधे नीचे की ओर अधोगमन करती हैं। इस तरह से वहाँ समवाहनी चक्र का निर्माण हो जाता है। समवाहनी चक्र में जो आने वाली समवाहनी तरंगे हैं, कहीं उनका जो संचरण होता अभिमुखी होता है तो कहीं उनका अपसरण होता है, कहीं अभिसरण तो कहीं अपसरण। इसके कारण ये प्लेटें भी कहीं अभिसरित हो रही हैं तो कहीं अपसरित हो रही हैं। तो जहाँ अभिसरित होती हैं वहाँ प्लेट आपस में टकराती हैं, अपसरित होती हैं तो दूर जाती हैं। तो इस प्रकार के सापेक्षिक गति के कारण यहाँ तीन प्रकार के प्लेट किनारों का निर्माण होता है। विनाशात्मक प्लेट किनारे अर्थात डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, संरचनात्मक प्लेट किनारे अर्थात कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, संरक्षित प्लेट किनारे अर्थात कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तो विनाशात्मक प्लेट किनारे जो हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारे अर्थात डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स जो हैं, भूगर्भिक प्रक्रियाओं की दृष्टि से काफी संवेदनशील होते हैं। अधिकतर भूगर्भिक प्रक्रियाएं बेसिकली ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाएं विनाशात्मक किनारों के सहारे संपादित होती हैं, तो ये काफी संवेदनशील होते हैं। अभी हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। दूसरी ओर जो प्लेटें दूर जा रही हैं, जहां प्लेटें दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो वहां संरचनात्मक प्लेट किनारों का निर्माण होता है। तो उसके सहारे जो संरचनात्मक प्लेट किनारे हैं वहां सामान्यतः दरारी उद्भेदन होता है और उनकी तीव्रता थोड़ी कम होती है। जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जहां प्लेटें आमने सामने आ रही हैं, वो क्या कर रही है, टकराएंगी आपस में, तो वहां विनाशात्मक प्लेट किनारे बन गए। जहां दूर जाएंगी संरचनात्मक प्लेट किनारे बन गए, और जो दूर जा रही हैं एक तरह से प्लेटों का अलगाव हो रहा है, बिखराव हो रहा है। तो यह अलगाव बिखराव दो प्रकार का है, एक अंतर अपसरण होता है, दूसरा अंतः अपसरण। अंतर अपसरण में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अंतः अपसरण में क्या होता है, एक ही प्लेट में क्या हो रही है, विस्तार हो रहा है, एक ही प्लेट फट रही है। इसी प्रकार से संरक्षित किनारों का निर्माण या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां दो या दो से अधिक प्लेटें एक दूसरे के मार्जिन के सहारे सरकती हैं, तो यहां संबंधित दरार बनती हैं। लेकिन अभी तक भूगर्भवेत्ताओं ने यह बताया कि ऐसे किनारों के सहारे ज्वालामुखियों की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। अब निकट भविष्य में हो भी सकता है, यानी
संभावना कम है। तो इन्हीं प्लेट किनारों को दृष्टिगत करते हुए अर्थात विनाशात्मक प्लेट किनारे, संरचनात्मक प्लेट किनारे और संरक्षित प्लेट किनारों को ध्यान में रखते हुए भूवैज्ञानिकों ने ज्वालामुखियों का विश्व वितरण प्रस्तुत किया। तो किस प्रकार से प्रस्तुत किया ये हमें देखना है। तो देखें ये, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो जो प्लेटों का संचलन है, जैसे मान लिया ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है और ये अटलांटिक महासागर, दोनों इस साइड में दिखाया गया। तो यहां पर देखा जाए कि जो मौलिक हमारी सात प्लेटें हैं, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो दो भागों में डिवाइड हो चुकी है 98 में, अमेरिकन प्लेट में दो प्लेटें, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील हैं। लेकिन जो परिप्रशांत, जो ये प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग प्रशांत प्लेट से सभी प्लेटों की टक्कर हो रही है, प्रशांत प्लेट से लगभग सभी प्लेटों की टक्कर हो रही है, तो इस तरह से विश्वव्यापी जो प्लेट किनारे विकसित हुए हैं, कौन कौन से, विनाशात्मक प्लेट किनारे, संरचनात्मक प्लेट किनारे और संरक्षित प्लेट किनारे, क्लियर। तो इन प्लेट किनारों को ध्यान में रखते हुए भूवैज्ञानिकों ने इनका विश्व वितरण किया, किसका, ज्वालामुखियों का। और ज्वालामुखियों की स्थिति को कुछ प्रमुख मेखलाओं में विभाजित कर दिया, जैसे नंबर एक परिप्रशांत मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, दूसरी है मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला मीन्स मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और तीसरी है मध्य अटलांटिक मेखला, मिड अटलांटिक बेल्ट और एक प्लेट जो हमारे पास विशेष आएगी, मार्जिन अंतः प्लेट मेखला, इंट्रा प्लेट अंतः प्लेट किनारा वाले ज्वालामुखी, ऐसे लिख लेते हैं। वोल्केनोज ऑफ इंटरप्लेट, इंट्राप्लेट मार्जिन्स।
और कुछ क्या है छुटपुट हैं। अब इनका हम अध्ययन करेंगे। मौलिक रूप से तीन मेखलाएं ही हैं, परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक और अंत प्लेट किनारों के सहारे कुछ ज्वालामुखी और कुछ इधर उधर छुटपुट भी हैं। तो बेसिकली वो अंत अपसरण के कारण ही विकसित हुए हैं। अंत अपसरण के कारण जब एक ही प्लेट में अपसरण होता है, क्या होता है अपसरण, डाइवर्जेंट मोशन विद इन अ प्लेट कॉल्ड इंट्रा प्लेट मोमेंट एंड द डाइवर्जन बिटवीन टू आर मोर प्लेट नोन एज द इंटर प्लेट मोमेंट। क्लियर। तो इस आधार पर हमें क्या करना है, इनका अध्ययन करना है। अब आप ध्यान दें, ये विश्व का मैप है और यहां आप देख रहे हो, तो पहली जो मेखला हमारे पास है परिप्रशांत मेखला, सरकम पेसिफिक बेल्ट। सरकम पेसिफिक बेल्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिप्रशांत मेखला। और देखिए यहां लिखा गया रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला या फायर ऑफ गर्डल या गर्डल ऑफ फायर, कहने का मतलब एक तरह से ये क्या है, संपूर्ण एक मेखला बनी हो जो कि अग्नि की मेखला है, तो ऐसा क्यों कहा गया। अब इस संदर्भ में सबसे पहले हमें बात किसकी करनी है, सरकम पेसिफिक बेल्ट की, परिप्रशांत मेखला। तो ये मेखला की स्थिति क्या है, हिंदी में बोले तो परिप्रशांत मेखला। तो परिप्रशांत मेखला प्रशांत महासागर के चतुर्दिग विकसित है। दूसरे शब्दों में परिप्रशांत मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे विकसित है, जहां विश्व के दो तिहाई से अधिक ज्वालामुखी क्रियाएं अंकित की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को कहा गया अग्नि वलय या अग्नि मेखला, रिंग ऑफ फायर। यहां विनाशात्मक किनारे हैं। इधर से ये जो आप देख रहे हो ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट और इधर से यूरेशियाई प्लेट, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्रशांत प्लेट से क्या करें, लगातार टकरा रही है और प्रशांत प्लेट में अंतर अपसरण हो रहा है, तो ये अभी इधर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस टक्कर के परिणाम स्वरूप इसके चारों तरफ विनाशात्मक प्लेट किनारों की उपस्थिति है। अब इसके कारण यहां ज्वालामुखी सहित भूकंप के लिए भी आदर्श दशाएं मौजूद हैं। कौन कौन सी आदर्श दशाएं हैं, नंबर वन विनाशात्मक प्लेट किनारों की उपस्थिति, दिमाग में रखें, प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, नंबर वन क्या हुआ, विनाशात्मक किनारों की उपस्थिति। नंबर दो जल और स्थल का मिलन बिंदु, एक तरह से क्या है, जल और स्थल का संगम है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ वाटर एंड लैंड, महासागर और महाद्वीपों का मिलन बिंदु भी बोल सकते हैं। नंबर तीन कमजोर वलित पर्वतों की श्रृंखला, रॉकी जेंडीज प्रशांत कार्डिलेरा चारों तरफ है, तो कमजोर वलित पर्वतों की श्रृंखला। और तीसरा आ गया कि भूकंपी दृष्टि से काफी क्या है, ये संवेदनशील है। इसमें एक टर्म हमने लिया, एक तो विनाशात्मक प्लेट किनारा, इसके बाद हमने देखा जल और स्थल का मिलन बिंदु। तो जल और स्थल का जो मिलन बिंदु है, तो जल और स्थल के मिलन बिंदु पर जो जल है, तो जल ज्वालामुखी क्रियता सक्रियता को बढ़ा देता है। तो क्यों बढ़ा देता है, कैसे बढ़ा देता है, देखो जैसे मान लिया ये दो प्लेट है आपस में टकराई, टकरा गई तो यहां पर क्या होगा, बड़े पैमाने पर क्या होगा, रैप्चर होगा, विखंडन होगा, दरारें बनेंगी। जब दो प्लेटें आपस में टकराई, मध्य में दरार हो गई, तो दरार के माध्यम से असीमित मात्रा में जल क्या होता है, भूगर्भ में चला जाता है। और भूगर्भ में क्या है, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल का तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जहां की पिघला हुआ मैग्मा है। अब वो मैग्मा में जब जल जाता है, लाखों लाखों क्यूसेक जा रहा है, तो वो तीव्र ऊष्मा वाले वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी तीव्र ऊष्मा जनित वाष्प में परिवर्तन होता है, और वाष्प भाप इंजन की तरह कार्य करता है और ज्वालामुखियों के लिए क्या होता है, वरदान साबित हो जाता है। तो
ज्वालामुखी क्रिया के लिए जल की उपस्थिति क्या है, एक आदर्श कारक है। क्लियर। अब ये मेखला कैसे है, तो देखो ये एलुशियन द्वीप समूह है किसका, नॉर्थ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का का ये है, तो यहां से शुरू होता है एलुशियन से लेकर अलास्का, अलास्का का ही भाग है एलुशियन, फिर कनाडा के पश्चिमी भाग से होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से होते हुए मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग से, एक तरह से इंडीज के सहारे होते हुए ये कहां तक, अंटार्कटिका तक आता है, और अंटार्कटिका द्वीप समूह सॉरी महाद्वीप के बाद ये उत्तर की तरफ स्थानांतरित होता है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप समूह से होते हुए पापुआ न्यूगिनी, और ये ईस्ट इंडीज है, ईस्ट इंडीज बोले तो पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया मलेशिया वाला क्षेत्र से होते हुए फिलीपींस, फिलीपींस से ताइवान के पास से होते हुए जापान, जापान से होते हुए क्यूरील द्वीप और कमचट, रूस के कमचटका प्रायद्वीप से फिर पूरब की ओर स्थानांतरित होते हुए अलास्का से मिल जाता है। तो यहां पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर पुरानी सूचनाओं को माने तो विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन अभी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे विभाग ने बताया कि 1500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें से 500 से अधिक तो इसी पेटी में हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जैसे अमक एनियाकचक एलुशियन द्वीप समूह में, इसके सैकड़ों हैं लेकिन प्रमुख प्रमुख नाम, अमक हो गया, एनियाकचक, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र अलास्का का, हजारों धुआरों की घाटी अलास्का का, फिर इसके बाद अनहिम वोल्केनिक बेल्ट, वारेंगल वोल्केनिक बेल्ट, स्ट्राइकिन वोल्केनिक बेल्ट किसके, कनाडा के, इसके बाद रेनियर, सास्ताहूड, लासेन, हेलेंस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। फिर जैसे दक्षिण में जाते हैं तो आ जाते हैं मैक्सिको में, तो मैक्सिको के अंतर्गत पोपोकैटेपिटल, सीट लाल टेपटल, कोलिमा, फिर से नाम सुने, पोपोकैटेपिटल, सीट लाल टेपटल, कोलिमा, जुरल्लो, ये मैक्सिको के प्रमुख ज्वालामुखी। इसके बाद सान सल्वाडोर का इजाल को, इसके बाद फ्यूगो, फिर चले जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में, तो यहाँ सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, कुछ सक्रिय हैं, कोई सुसुप्त है। जैसे अगर कोलंबिया के जाएं तो हुइला टोलिमा, इक्वेडोर में कोटोपेक्सी चिम्ब्रेजो के साथ साथ 21 ज्वालामुखी हैं। फिर इसके बाद मिस्ती है पेरू का, और यहीं पर अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, अभी किताबों में आपको कोटोपेक्सी मिलता है लेकिन नहीं, अब क्या है, सेरो ओजास डेल सलादो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद अकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, जो कि प्रसुप्त अवस्था में है, और दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु भी है, कौन, अकांकागुआ, मुख्यतः अर्जेंटीना के सीमा में पड़ता है। फिर इसके बाद लेलिन है, सैन वेलेंटाइन है, लुलाई लैको है, वो सारे ज्वालामुखी यहाँ पर है। फिर ये पेटी वापस होती है तो आगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी उत्तरी द्वीप में अनेक ज्वालामुखी है, जैसे व्हाइट लैंड, सफेद द्वीप समूह जो प्लेंटी की खाड़ी में है, यहाँ कुछ महीने पहले एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। इसके बाद रोपेहू है, तारानाकी है, इसके बाद रोतोरुमा है, देखें रोपेहू, तारानाकी, रोतोरुमा, व्हाइट लैंड, ये न्यूजीलैंड के। फिर इधर आ जाते हैं तो टाम्बोरा वगैरह, हालांकि मध्य पेटी में है, यहाँ पर पापुआ न्यूगिनी के कम से कम 10 ज्वालामुखी क्या है, प्रसुप्त या सक्रिय अवस्था में है। फिर इसके बाद आ जाते हैं फिलीपींस, फिलीपींस में कई ज्वालामुखी सक्रिय और प्रसुप्त अवस्था में है, जैसे ताल, माउंट हिबोक हिबोक, माउंट मियान, माउंट कैमगिन, पीनाटुबो, ये सारे ज्वालामुखी क्या हैं, या तो सक्रिय हैं अधिकतर, या तो फिर सुसुप्त अवस्था में। जापान में जाते हैं तो साकुराजीमा, जो अभी सक्रिय हुआ कुछ दिन पहले ही, फ्यूजियामा, फिर ओशिमा, आराकान, ये सब अनेक ज्वालामुखी हैं जापान के भौगोलिक क्षेत्र में। इसके बाद रूस की तरफ चलते हैं तो ये कमचटका प्रायद्वीप का क्लिचेवस्काया, तो ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो आप मैप में देख भी सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी पेटी की तरफ हम चलते हैं,
मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। क्या नाम है? मिड अटलांटिक बेल्ट। यह बेल्ट अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक मेखला से शुरू होकर भूमध्य सागर, ये देख रहे हैं आप, भूमध्य सागर, फिर इसके बाद मध्य पूर्वी एशिया से होते हुए पश्चिमी एशिया के नाम से जिसे आप जानते हैं, होते हुए ये हिमालय के तलहटी तक आती है और हिमालय से आगे जाकर अराकान योमा और पूर्वांचल हिमालय के मध्य से ये दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती है। बर्मा से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुमात्रा जावा से होते होते पापुआ न्यू गिनी के आसपास यह प्रशांत मेखला से मिल जाती है। नाम क्या है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य अटलांटिक मेखला। यह मेखला भी विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे है। किसके सहारे है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे है। जैसे देखें यहां पर ये अफ्रीका इधर की तरफ जा रहा है, यहां से मुंह हो रहा है ऐसे, इधर से क्या हुआ, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट, और ये इस तरह से टक्कर चल रही है। तो कई बार पूछा गया मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में अपसरण हो रहा है या अभिसरण, तो कई प्लेटों के मध्य अभिसरण हो रहा है, तो विनाशात्मक प्लेट किनारा है। और यहाँ भी कई ज्वालामुखी सक्रिय प्रसुप्त या मृत अवस्था में हैं, जैसे भूमध्य सागर के ज्वालामुखी विसुवियस, स्टाम्बोली, एटना, वल्केनो, ये सारे ज्वालामुखी विसुवियस, स्टाम्बोली, एटना, वल्केनो, ये किसके? इटली की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद यूनान का इधी सक्रिय ज्वालामुखी, अर्मेनिया का आरारात, ईरान का देवमंद तथा कोहे सुल्तान, देवमंद तथा कोहे सुल्तान किसका? ईरान का। फिर बलूचिस्तान के कुछ ज्वालामुखी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद बर्मा का पोपा है जो कि निष्क्रिय हो चुका है, भारत का नारकोडम बैरन, इसके बाद इंडोनेशिया में आते हैं तो लेक टोबा, मेरापी, कराकातोवा अपनी प्रचंड विस्फोट के लिए जाना जाता है। 1883 में इसमें जब प्रचंड विस्फोट हुआ था, हालांकि विस्फोट हल्का फुल्का भी एक साल पहले भी इसमें हुआ है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें प्रचंड विस्फोट कब हुआ? 1883 में। यह 1883 में जो प्रचंड विस्फोट हुआ था इसके कारण भयंकर सुनामी आई और उस समय 36,000 लोग मारे गए थे। अगर इस समय विस्फोट होता तो लाखों में मारे जाते। और इस विस्फोट के कारण क्राकातोवा का जो विस्फोट 1883 में हुआ तो अपनी मानसून को ये कई वर्षों तक क्या किया, प्रभावित कर दिया था। इसके बाद क्राकातोवा के बाद टॉम्बोरा, एक खतरनाक ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है, तो ये प्रमुख ज्वालामुखी इसमें आ गए। अब ये जो देखो अंतः प्लेट वाली बात जो मैंने कहा था, वास्तव में ये एक ही प्लेट में भ्रंशन की प्रक्रिया होगी। बेसिकली है तो यूरेशियन प्लेट भी है और ये, लेकिन ये बीचों बीच से कौन सी, यहां से आते हुए लाल सागर से होते हुए जिम्बेजी नदी घाटी तक चली गई, जिसको हमने नाम दिया था महान भ्रंश घाटी वाली मेखला। तो ये मध्य महाद्वीपीय मेखला का ही भाग है और भ्रंश के सहारे है, लेकिन यहां भी अनेक ज्वालामुखी है, जैसे इथोपिया के कई ज्वालामुखी, इसमें प्रमुख है रासदासन, फिर माउंट केनिया, माउंट एलगन, माउंट रोपेहु, माउंट किलिमंजारो तथा माउंट रुंगवे, तंजानिया के रुंगवे और किलिमंजारो, और किलिमंजारो तो अफ्रीका का सर्वोच्च क्या है, बिंदु भी है। किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु भी है। तो ये मध्य अटलांटिक मेखला हो गई, क्लियर। इसके बाद तीसरी मेखला इधर है, मैप इस तरह से लिया गया तो इसको ध्यान दें आप, ये अटलांटिक महासागर के सहारे है, लेकिन यह मेखला संरचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे है। कारण यह है कि यहां प्लेटों का अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंट मोशन प्लेटों में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट मोशन हो रहा, अपसरण हो रहा है। तो उत्तरी अमेरिकी
और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर आ रही है और अफ्रीकी तथा यूरेशियन प्लेट पूरब की ओर जा रही है, जिसके कारण अटलांटिक महासागर दिनों दिन क्या हो रहा है, वाइड चौड़ा हो रहा है, खुल रहा है। अब ये मेखला जो है अटलांटिक वाली स्पीट वर्जन, यहां पर एक द्वीप है, किसका है, नार्वे का। नार्वे के स्पीट वर्जन द्वीप से होते हुए, आइसलैंड से होते हुए पश्चिमी द्वीप समूहों को टच करते हुए ये चली जाती है अंटार्कटिका के बोवेट आइलैंड तक। कहां तक, स्पीट वर्जन से लेकर बोवेट द्वीप समूह तक चली जाती, सॉरी द्वीप तक चली जाती है। और इस मेखला की लंबाई लगभग 14,400 किलोमीटर है और इस मेखला के सहारे विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक निर्मित हुआ है, जिसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। और इस कटक के सहारे ही दरारी उद्भेदन हो रहा है। दरारी उद्भेदन के द्वारा असीमित मात्रा में मैग्मा यहाँ उत्सर्जित होकर कटक का निर्माण किया है। इस कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक कहते हैं, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, डॉल्फिन कटक, और दक्षिणी भाग को बोला जाता है चैलेंजर कटक। तो ये दरारी उद्भेदन वाला यहाँ ज्वालामुखी अधिक मात्रा में है, जो मंद गति से लावा का या मैग्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन अनेक ज्वालामुखी विस्फोटक प्रकार के भी यहाँ हैं। अगर प्रमुख ज्वालामुखियों की मैं बात करूं तो आइसलैंड के ज्वालामुखी, आइसलैंड में अनेक दरारी और केंद्रीय विस्फोट वाले ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट हेलगाफेल, लाकी, काटला, हेकला तथा इजॉफ जाला जोकुल सबसे बड़ा ये है। फिर इजॉफ जाला जोकुल, हेकला, लाकी, काटला, हेलगाफेल, ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों का नाम हमने बताया आपको, कहाँ, आइसलैंड के हैं। इस दरार के कारण आइसलैंड, यहाँ आइसलैंड के बीचों बीच मैग्मा आ रहा है, मैग्मा का जमा हो रहा है, वो सॉलिड हो रहा है, तो आइसलैंड के क्षेत्रफल में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसके बाद अजोर्स द्वीप के ज्वालामुखी हैं इससे सटे हुए। फिर इसके बाद दक्षिण में चला गया तो सेंट हेलना ज्वालामुखी, एसेंशन ज्वालामुखी, गफ ज्वालामुखी, तो ये दक्षिणी अटलांटिक में, और इसी की पेटी एक प्रशांत सॉरी अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक पेटी, इससे मिलती हुई जो पेटी आ गई कैरेबियन द्वीप समूहों के पास, तो कैरेबियन द्वीप समूह में, वेस्ट इंडीज में अर्थात पश्चिमी द्वीप समूह में एक मार्टिनिक द्वीप है, और मार्टिनिक द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पीली ज्वालामुखी। क्या नाम है, पीली ज्वालामुखी, जो अपनी प्रचंडता के लिए जाना जाता है और विश्व के सबसे खतरनाक और प्रचंड ज्वालामुखी है यह है, और इसके नाम पर ही हम पीली प्रकार के ज्वालामुखी भी पढ़ते हैं। यह पीली ज्वालामुखी वेस्ट इंडीज के अर्थात पश्चिमी द्वीप समूहों के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है, जिसका नाम है माउंट पीली। इसका जो अंतिम भयंकर विस्फोट हुआ था 1902 में, जब विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट के कारण यहाँ स्थित सेंट पियरे नगर, जिसकी जनसंख्या 30,000 से 35,000 थी, सेंट पियरे नगर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सूचनाओं के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि 30,000 से 35,000 में से केवल 3 लोग जीवित बचे थे। तो इतना खतरनाक ज्वालामुखी, ये नाम क्या है, माउंट पीली, मार्टिनिक द्वीप, वेस्ट इंडीज, ध्यान रखेंगे। ये प्रमुख पेटियां होगी, रिंग ऑफ फायर, सर्कम पेसिफिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट एंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। कुछ बेल्टेज जैसे हमने कहा कि अंत अपसरण के कारण बना, जो छिटपुट हैं, जैसे देख लिया गया यहाँ पर रीयूनियन द्वीप के ज्वालामुखी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में है, ये खतरनाक ज्वालामुखी है रीयूनियन वाले, अम्ली प्रकार का लावा होता है, विस्फोटक होता है। इसी प्रकार से हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, हवाई द्वीप में अनेक ज्वालामुखी हैं, 3 ज्वालामुखी यहाँ प्रमुख हैं, किलाविया, मोनोलोवा और मौनाकी। मौनाकी की अगर ऊंचाई हम सागर नितल से देखें तो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो आप सोचें कि कितना मैग्मा यहाँ उत्सर्जित हुआ होगा। यह एक अंतः प्लेट ज्वालामुखी है,
इस प्रशांत प्लेट में क्या हुआ, रैप्चरिंग हुई, फटन हुआ और वहाँ से ये ज्वालामुखी है। तो यहाँ से एक मेखला चलती है, कहाँ तक चली जाती है, कमचटका प्रायद्वीप के आसपास, जहाँ बताया जाता है कि ज्वालामुखी तो हैं लेकिन यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं नहीं घटती हैं, तो जिसके संदर्भ में कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए जो कभी चर्चा करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर अंतः प्लेट ज्वालामुखी, इसके बाद कैमरून का ज्वालामुखी, माउंट कैमरून जो अफ्रीका का सक्रिय ज्वालामुखी है, कैमरून देश का नाम भी है और कैमरून किसका है, ज्वालामुखी का नाम है। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला आदामावा, उसी का ये क्या है, भाग है। तो ये ज्वालामुखियों का विश्व वितरण है, कौन कौन किसके सहारे हैं, प्लेटों के सहारे। प्लेटों का विवरण किसमें दिया गया, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में, और उसी आधार पर ज्वालामुखियों का विश्व वितरण कर दिया गया। तो तीन प्रमुख मेखलाएं हैं, परिप्रशांत मेखला अर्थात सरकम पेसिफिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्यों कहते हैं आप जान चुके हैं। इसके बाद मध्य महाद्वीपीय मेखला, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे यह भी है, और तीसरी होगी मध्य अटलांटिक मेखला, मिड अटलांटिक बेल्ट। तो जो कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया, जो भी आप पेपर परीक्षा जो भी दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, स्टेट पीएससी का दे रहे हो, नेट जेआरएफ का दे रहे हो, भूगोल से संबंधित जो भी पहलू हैं, अगर ज्वालामुखियों के विश्व वितरण से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अगर ईमानदारी से इसको आप कर लेते हो, इतने ज्वालामुखियों के नाम आप देख लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इससे बाहर का नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको कर लेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।